सभी लोगों को नमस्कार। अब इलेक्शन समाप्त हो गया है। इलेक्शन समाप्त होने के बाद जो लोग विजयी हुए उनको हार्दिक बधाई और जो हारे उनके प्रयास के लिए उनका मनोबल हमेशा बढ़ा रहे और वो आगे भी इसी तरह से प्रयास करते रहें अगले चुनाव के लिए। अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, उसमें मैं शेयर करना चाहूँगा। जो है जो अभी आया है कई जगहों पे, जो होता है जमानत जब्त हो जाती। जमानत जब्त का मतलब है कि लॉस्ट देयर डिपॉजिट दिस टाइम, लॉस्ट देयर डिपॉजिट मतलब कि जो अपना जो जमानत राशि उनका जब्त हो जाता है। इस पर एक बात रखना है कि जब कोई भी कैंडिडेट खड़ा होता है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी जो है डिपॉजिट करनी होती है इलेक्शन कमीशन को, कि इतना जो होता है आपको जमा करना है। ये लगभग जो है जनरल कैंडिडेट को 10,000 देना पड़ता है और SC ST या अन्य जो कैटेगरी है उनको जो होता है इसका आधा अर्थात 5,000 जमा करना होता है। तो नियम ये है कि यदि इलेक्शन हुआ और जितने लोगों ने वोट डाला इसका 1/6 यानी कि 16.67% वोट कम से कम मिलना चाहिए हर कैंडिडेट को जो भी खड़ा हुआ है। यदि इससे कम है तो उनका ये राशि जो है जब्त कर ली जाती है। ये जो जमानत जब्त का जो एक्ट है 1951 में दिया गया था, पीपल एक्ट के तहत जो है दिया गया है। अ कैंडिडेट नीड्स अ सिक्योर एट लीस्ट 1/6 16.67% ऑफ द वोट्स पॉल्ड इन द कॉन्स्टिट्यूएंसी दे आर कॉन्टेस्टिंग इन ऑर्डर टू गेट बैक देयर डिपॉजिट। कैंडिडेट हु फेल टू गेट द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वोट्स लूज और फोरफिट देयर डिपॉजिट्स। थैंक यू।